हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 7th चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिसका सम -7 हो। देखो इसमें इंटीजर्स तो लिखा है लेकिन ये नहीं बताया कि पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, तो आप कोई भी ले सकते हो जिसका सम -7 होना चाहिए। तो हम एक दो एग्जाम्पल्स लिखेंगे, बाकी आप खुद से लिख सकते हो। जैसे आप अगर दो उनका सम कितना होना चाहिए -7, तो फर्स्ट एग्जांपल आप -2 एंड -5 ले सकते हो, कितना हुआ -7। सेकंड एग्जांपल आप -1 प्लस -6 लिखा तो कितना हुआ -7। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट -7। थर्ड एग्जाम्पल ये तो हमने दोनों नेगेटिव ले लिया, क्या आप पॉजिटिव नेगेटिव भी लेके कर सकते हैं? अच्छा, हम पहले वाला अगर +2 लिखते तो सेकंड वाला क्या लिखे कि -7 हो जाए, -9। पहले वाला अगर हम 7 लिखते, -7 लिखते, तो दूसरे वाला हम क्या लिखें कि -7 हो जाए, ऑफकोर्स 0, बिकॉज 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हैं। सेकेंड डिफरेंस -10 होना चाहिए, ऐसे लिखना है। तो डिफरेंस मतलब अगर हमने सेकेंड वाला लिखा 1 तो पहले वाला -9, कितना हुआ -9, -1 इज इक्वल्स टू -10। सिमिलरली यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज -2 माइनस +8, दैट इज -2 -8 इज इक्वल्स टू -10। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक आपका ये एग्जाम्पल हो गया, इसी हिसाब से आप बाकी भी लिख सकते हो। अगर आपको जीरो लाना है सर, तो व्हाट आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स? जीरो हम किस में लाते थे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था? अगर ए में -a ऐड कर तो जीरो बनता है। तो उसके बेसिस पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, है ना? तो -5 का एडिटिव इनवर्स 5, ठीक है, ओके। तो और भी एग्जांपल्स लिखने हैं तो, लेकिन ये याद रखना साइन अपोजिट होगा, बाकी नंबर सेम रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा इसमें जीरो। ओके, नाउ वी आर इन द सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है, अगर आप देखो तो अ पेयर ऑफ, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स लेना है, पेयर लेना है ना इसमें, मतलब नेगेटिव लेना है, मतलब दोनों सेम नेगेटिव होना चाहिए, और डिफरेंस देना चाहिए पॉजिटिव आंसर। आपको उस हिसाब से एग्जांपल्स लेना है कि दोनों नेगेटिव हों, उनका डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन सम नहीं। यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस इज 8। तो कौन कौन से लिखेंगे? अगर हमने फर्स्ट -2 लिखा, सेकेंड -10 लिखा तो कितना हुआ -2 +10 इज इक्वल्स टू +8। सिमिलरली वी कैन टेक मोर एग्जांपल्स, फर्स्ट -1, सेकेंड इज -9, कितना होगा -1 +9 इज इक्वल्स टू 8। कैन वी टेक मोर एग्जांपल्स कि पहले वाला माइनस ना लेके प्लस लिख लें? तो पहले वाला प्लस लिखा 10, तो दूसरे वाला कितना लिखेंगे? लेकिन हमें तो नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव लिखेंगे तो क्या +8 आएगा? नहीं आएगा। तो पहले वाला अगर हम 6 लिख दें तो 6 +2 इज इक्वल्स टू 8। अब हो गया तो 6 पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव हो गया, -2 एंड देन सबट्रैक्ट इज +8। तो हम ये भी ले सकते हैं कि पहले वाला पॉजिटिव ले लें, दूसरे वाला नेगेटिव ले लें, लेकिन हमें नंबर्स उस हिसाब से लेने पड़ेंगे, इंटीजर्स उस हिसाब से लेने पड़ेंगे। सच दैट, सॉरी इधर लिखा हुआ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए ना। तो फर्स्ट वाला अगर हम लिखें -6 तो नहीं होगा ना, तो फिर उसके लिए और एग्जांपल देखना पड़ेगा। तो हम ये नहीं ले सकते ना, क्योंकि हमें दोनों नेगेटिव लेना है, हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लें। ठीक है, और भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे -3 ले लो, एंड -3 के साथ क्या लेंगे 8 बनाने के लिए, माइनस में लिखा एंड इट विल बिकम कितना हो जाएगा, माइनस का 8 बनाना तो 11, तो -3 +11 इज इक्वल्स टू 8।
ठीक है, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट लिखना है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, उनका सम हो -5, सम बोला है इस बार इज़ टू -5, ऐसे करना है। तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, तो 10 हमने पॉजिटिव लिखा तो नेगेटिव कितना लेना पड़ेगा, -15, तब भी -5 होगा। सिमिलरली फर्स्ट वाले में हमने क्या लिखा, हमने लिखा -1, तो क्या ले, -5 आ जाए। लेकिन एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव लेना है, तो अगर हमें नेगेटिव में चाहिए तो नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए, तो पहले लिखा हमने -11, दूसरा लिखेंगे +6। ठीक है, जो हमें चाहिए वो हमें बड़ा लेना अगर डिफरेंट साइंस है तो। ठीक है, ओके, और सम बोला था ना, ओके। अब हमें करना है एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और डिफरेंस -3 होना चाहिए, डिफरेंस बोला है। अगर हमारा सम था तो जो हमें चाहिए होता था हम वो बड़ा ले रहे थे, लेकिन डिफरेंस के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने डिफरेंट बोला है एक तो, और डिफरेंस बोला था। एग्जाम्पल हो जाएगा -2 एंड 1, तो -2 एंड -1 इज टू -3। देखो -2 इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव, तो हमारा कितना हो गया, एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, और डिफरेंस हो गया उनका, तो ये आ गया -3। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, -3 -0 है ना, क्या 0 पॉजिटिव नेगेटिव है, नहीं है, तो इस है ना, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ऐसा नहीं लेना कि जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो। क्या आप और एग्जांपल्स बता सकते हो कि जिनका एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और डिफरेंस -3 हो, ये ट्राई करने एक बार। नेक्स्ट इज इन अ क्विज, टीम स्कोर्ड -40 रन, टीम ए -40 10 एंड 0, और जो टीम बी है वो स्कोर करती है 10 0 एंड -40, 3 सक्सेसिव राउंड्स में। हमें ये बताना है कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर हम उनको ऐड करें किसी भी ऑर्डर में तो इक्वल आएगा, तो सॉल्यूशन करते हैं पहले। तो पहले क्या करना है हमें, टीम ए का स्कोर, टीम ए स्कोर कितना रन्स, -40 10 एंड 0। नाउ टोटल स्कोर ऑफ टीम, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए इन 3 सक्सेसिव राउंड्स इज -40 प्लस 10 प्लस 0। -40 माइनस 10 इज -30 एंड +0 इज इक्वल्स टू -30 आ गया। नाउ वी विल ऐड ऑफ टीम ए, टीम बी स्कोर, उसने कितना स्कोर किया था, टीम बी ने स्कोर किया था 10, 0, -40। अब टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ टीम बी का टोटल स्कोर 10 प्लस 0 माइनस 40, 10 प्लस 0 इज 10 एंड -40 इज गोस टू -30, दोनों में बराबर आ गया। दस स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर सेम, लेकिन उसके बाद ये था किसने बराबर किया था, दोनों ने इक्वल किया। कैन वी सी दैट कि हम उनको कैसे भी, ये था -40 10 एंड 0, ये है 10 0 एंड -40, ऑर्डर आगे पीछे है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनको हम किसी भी ऑर्डर में करें इंटीजर्स को तो उनका एड सम आता है, सेम आता है। यस वी कैन ऐड, वी कैन ऐड इंटीजर्स इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्यों, बिकॉज ऑफ कौन सा प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, लिखना नहीं है, लेकिन कौन सा था, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, ये रीजन था हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक टू मेक
फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, इनको फिल करना है कि ये ट्रू रहे। तो -5 + -8, क्या ऐड करें -8 में? -5। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था हमारा अभी किया हमने लास्ट क्वेश्चन में, a+b = b+a। तो आपको रीजन बताना है और आंसर फिल करना है। नाउ 53 में क्या ऐड करें कि 53 आ जाए? 0। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ओके लिखते हैं ए में क्या ऐड करें कि ए आ जाए। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, रीजन हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, आंसर हो गया 0। उसके बाद 17 में क्या ऐड करें कि 7 0 आ जाए? ए में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? अभी किया था हमने माइनस ए। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो क्या आएगा इसका आंसर? -17। सिमिलरली ये कौन सा है? a+b + c = a+b + c। कौन सा प्रॉपर्टी था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। तो थर्ड क्या होगा? देखो 13 13 मैच हो रहा है, -12, तो यहाँ हो जाएगा -7। ठीक है, अब इसका लास्ट बचा, लास्ट भी सेम है, a+b + c = a+b + c। रीजन क्या हो गया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज नहीं आती तो लास्ट वीडियो दोबारा देखना है ना, प्रॉपर्टी ऑफ, जिसमें प्रॉपर्टीज पार्ट टू बताया था, एडिशन। तो a+b + c = a+b + c। तो क्या होगा? -4 है, 15 है, तो थर्ड विल बी, आंसर विल बी -3। 4 ही क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में। थैंक यू।